गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन 4 करवाया था, आज हम क्वेश्चन 5 करेंगे। देखिए सामने कहता है चेक द सिक्स एंड सिक्स एंड के लिए चेक कीजिए कैन एनी विद द डिजिट 0, क्या उसका जो अंत है वो 0 पर होगा। फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, क्या सिक्स एंड के लिए कोई भी नेचुरल नंबर 0 पर समाप्त होगा। वी नो दैट, इसका समाधान हो गई, वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद द डिजिट 0 इज डिविजिबल 5 by 5, सो इट्स प्राइम फैक्टर मस्ट कंटेन बी 5 नंबर। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी धनात्मक पूर्णांक एंडिंग विद द डिजिट 0 0 पर समाप्त होगा इज डिविजिबल बाय 5, तो वह नंबर है वह 5 से डिविजिबल होगा। सो इट्स प्राइम फैक्टर, इसीलिए इसका प्राइम फैक्टर मस्ट कंटेन इस 5 नंबर, इसका जो प्राइम फैक्टर है बाकी जो गुणनफल है वो 5 होगा। 6 एंड हमारे पास 6 एंड है, 6 एंड को हम सॉल्व करेंगे, 2 3 का 6, 3 1 का 3, यानी जो इसके प्राइम फैक्टर है वो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। मेरे कहने का मतलब है कि 6 एंड के जो प्राइम फैक्टर है वो कितने हैं, 2 और 3, जबकि कंडीशन ये है कि वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से होना चाहिए, और उसका प्राइम फैक्टर भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसलिए कंटेन 2 एंड 3 ओनली, तो 6 एंड के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 और 3 है, इसलिए द 6 एंड कैनोट नहीं हो सकती एंडिंग विद द डिजिट 0, 0 पर समाप्त एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी प्राकृत संख्या 6 एंड के लिए कोई भी प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त तब ही हो सकती है तब उसके प्राइम फैक्टर क्या हो, या तो 2 हो या 5 हो। छोटा इस प्रकार से हमारा जो एक क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6 सामने देखिए, कहता है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 39 7 × 6 5 4 3 2 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा किसी भी अन्य नंबर से डिवाइड हो, वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है। जो नंबर 1 एंड इटसेल्फ के अलावा अदरवाइज किसी भी अन्य नंबर से डिवाइड हो वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा। देखिए यहाँ ये पूछ रहा है कि बताओ, एक्सप्लेन करके बताइए कि ये दोनों जो नंबर हैं वो कंपोजिट हैं, कार दीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट नंबर हमारे पास 7 × 11 × 13 + 13। अभी देखो इस नंबर में दोनों में कॉमन क्या है, देखो ये 3 नंबर मल्टीप्लाई में है, 7 × 11 × 13, इसका मतलब है ये पूरा का पूरा नंबर एक में ही काउंट होगा, प्लस 13 में सेकंड है इसमें। अब देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या, क्या 7 कॉमन है दोनों में, नहीं, क्या 11 है,
नहीं, यहाँ देखो 13, 13 है वो दोनों ही क्या है, कॉमन है, कॉमन है उसको बाहर ले दो। 13 प्लस 1 और कॉमन क्या है इसमें, 13। इसका मतलब हुआ क्या, जो नंबर कॉमन है उस नंबर से ये पूरी की पूरी जो नंबर है, पूरी की पूरी जो संख्या है वो डिविजिबल है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13। ये नंबर किससे डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, इसलिए यह क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। सेकंड नंबर यहां देखिए 7 × 6 = 5, 4, 3, 2, 1 और प्लस 5। अब इन दोनों में देखिए क्या है कॉमन, इसमें इस संख्या में क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, 5 है दोनों में, 3 × 2 × 1 और प्लस 1 और कॉमन क्या है, 5। यानी यदि कॉमन 5 है तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, 5 से। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 या विच आर डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 इसका मतलब ये भी किससे है, 13 से डिविजिबल है, ये किससे है, 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब दोनों ही नंबर कैसे हुए, कंपोजिट हुए। मैंने पहले बताया है कि कंपोजिट नंबर 1 एंड इटसेल्फ, अदरवाइज किसी भी नंबर से वो डिविजिबल है तो वो नंबर कैसा होगा, कंपोजिट नंबर होगा। हेंस 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 = 5, 4, 3, 2, 1 + 5 are composite number। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, हम आपके क्वेश्चन को बोर्ड के ऊपर ही सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये कहता है देयर आर ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, देयर आर ए सर्कुलर वृत्ताकार पाथ अराउंड चारों स्पोर्ट्स खेल मैदान। एक वृत्ताकार जो स्पोर्ट्स का जो फील्ड है, खेल का जो फील्ड है, सोनिया टेक्स, उसमें सोनिया 18 मिनट टू ड्राइव लेती है वन राउंड ऑफ द फील्ड। कहते हैं सोनिया इस मैदान का, इस फील्ड का एक राउंड लगाने में 18 मिनट लेती है। वही जबकि रवि ने, रवि 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लेता है। स्पोज दे बोथ एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से एट द सेम टाइम, एक ही समय पर एंड गोइंग द सेम डायरेक्शन और एक ही दिशा में
इनका एलसीएम क्या होगा? देखो एलसीएम फिर बता रहा हूँ, मैंने पहले बताया दो तीन क्वेश्चनों में कि जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनमें से जो नंबर ज्यादा टाइम्स होगा, ज्यादा बार होगा, वो लिखा जाएगा। जैसे यहाँ देखो टू है, तो इसमें भी कॉमन है, तो सर क्या हमने टू लिखे ओनली? नहीं, क्योंकि टू ज्यादा कौन से नंबर के टाइम्स है? ट्वेल्व में कितने टाइम्स है? टू टाइम्स है, तो टू मल्टीप्लाई। इसके बाद में देखेंगे थ्री, थ्री भी दोनों में कॉमन है, कॉमन है, तो ये लिखेंगे, देखेंगे थ्री कौन से में है? 18 में। इनको मल्टीप्लाई करो, टू टू जा फोर और थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा 36। यानी वे दोनों